और वोट देने पहुंचे रामदेव से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। उत्तराखंड में चुनाव शुरू हो चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है और जो हरिद्वार की दादूपुर जो मतदान केंद्र है उसमें सबसे सेलिब्रिटी जो वोटर हैं वो रामदेव हैं। रामदेव जी, आपसे ये पूछना तो कोई जरूरत नहीं है कि वोट मुद्दा क्या रहेगा और वोट किसको देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि सन्यासी हैं, योगा सिखाएं, राजनीति में ना पड़े। अच्छा, सन्यासी हैं, वोट करने ना जाए, मतलब वोट कौन करेगा और किसको करेगा? ये आदरणीय सोनिया गांधी जी डिक्टेट नहीं करेंगे। देखो, वोट सबको करना चाहिए और वोट करने के लिए सबको जाना चाहिए, जैसे मैं जा रहा हूँ एक सन्यासी होकर के, जिसको कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई रोजगार नहीं चाहिए, मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं देश के लिए वोट कर रहा हूँ। तो मैं सब लोगों से आह्वान करता हूँ, सब काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो और वोट देते समय ये ध्यान दो कि देश के 125 करोड़ लोगों को जस्टिस, न्याय कैसे मिलेगा। वोट देते समय ये ध्यान दो कि इस देश का भला कैसे होगा, ये लाखों करोड़ का काला धन कैसे आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा। वोट देते समय ध्यान दो कि आखिर गौहत्या कैसे बंद होगी। वोट करते समय ध्यान दो कि इस देश के किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी। लेकिन जो कांग्रेस है वो आप बहुत सालों से, जब से आपने आंदोलन शुरू किया उसके बाद से सवाल उठाती रही कि आप राजनीति में क्यों नहीं आ जाते हैं। उस समय ऐसा है, मैं मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे अंतरात्मा के आधार पर तय करना है, सत्य के आधार के ऊपर तय करना है। राहुल के खिलाफ आपने एक बयान दिया था जिसको लेकर आप FIR दर्ज हो गई और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, कल उस पे सुनवाई है। क्या डर है रामदेव जी को? कोई डर नहीं, जो काम है वो काम के ढंग से होना चाहिए। तो ये रामदेव थे जो वोट डालने आए हैं यहाँ पर और साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और ये भी कह रहे हैं कि वो सन्यासी हैं फिर भी वोट देने आए हैं। तो लिहाजा अब जो ये जो हरिद्वार का जो इलाका है ये इसी यहीं पर दादूपुर में वो अपना वोट डालने जा रहे हैं। हरिद्वार से राहुल और कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।